बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैमिली कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कढ़ाई गोश्त या भुना हुआ गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बोनलेस गोश्त लिया, वो ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 गंडी लहसुन के लिए वो ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट वो ऐड करूँगी। 2 अदद प्याज ऐड करूँगी मैं। इसके बाद मैं ऐड करूँगी 2 अदद टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 दालचीनी के स्टिक लिया है, 1 बड़ी इलायची और चंद लौंग के दाने वो ऐड करूँगी। इसके बाद हम मसालों की तरफ बढ़ते हैं। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी मैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम उतना लेंगे कि ये डिप हो जाए गोश्त हमारा। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 ग्लास पानी ऐड किया है। अब हम इसे 20 मिनट का वेट लगा लेंगे। हमारे गोश्त को 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम अपना गोश्त चेक करते हैं। ये अच्छे से गल चुका है, इसको हम कढ़ाई में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद सब्ज मिर्च ऐड करेंगे और इसको कुछ देर के लिए भून लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। दो से तीन मिनट तक हमने अपने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा गोश्त ऑलमोस्ट रेडी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं किसी डिश में। अब हम इस पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च गार्निश करेंगे, थोड़ा सा धनिया गार्निश कर लेंगे। और इस पर हम लेमन ऐड करेंगे। हमारा कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी है। हो सके आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।